हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन पटेल्स किचन। मैं हूं मुबीना पटेल और आज के वीडियो में बनाऊंगी एक मुखवास बहुत इजी एंड सिंपल तरीके से। तो इसके लिए मैंने 60 अलग अलग तरीके के बीज ले लिए हैं। ये 7 सीड्स मुखवास बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही हेल्दी है। चिया सीड्स ले लिए हैं मैंने 50 ग्राम। तो इसके अंदर बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। वाइट सेसमी सीड्स जो है कैल्शियम से भरपूर है। ब्लैक सेसेमी सीड्स जिसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स है। फेनल सीड्स यानी के सौंफ, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है। फ्लैक्सीड यानी के अलसी जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। और इसके बाद है पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, मैग्नीशियम, जिंक एंड बहुत सारे हेल्दी फैट्स है। प्रोटीन रिच है ये। तो ये सारे बीज मैंने 50-50 ग्राम ले लिए हैं। तो चलो मुखवास बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 2 टेबलस्पून पानी ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी वो सारे बीज जो मैंने ले लिए हैं। तो ये सारे बीज इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है क्योंकि ये सारे फ्लेवर एब्जॉर्ब कर। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मैं इसे कवर करके छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के बाद मैं इन्हें ड्राई रोस्ट कर लूँगी ये सारे बीज को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि लेमन जूस और पानी की वजह से ये सारे बीज हल्के से मॉइस्चर हो गए हैं। तो ये सारा मॉइस्चर ड्राई हो जाए तब तक हमें इन्हें रोस्ट कर लेने हैं। तो मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर और नमक ऐड किया है, इसकी वजह से इसके अंदर अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और जो लेमन जूस है उसकी वजह से। तो अब मैं इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। तो फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर ये जल जाएंगे क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे बीज भी है, चिया सीड्स और टील, सफ़ेद और काले। तो मीडियम फ्लेम पर इन्हें रोस्ट करते रहिए जब तक इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर बाकी न रहे और हल्का सा क्रंची हो जाए तब तक। तो ठंडा होने के बाद ये और भी क्रिस्पी हो जाएगा। तो फ्लेम को आपको चेक कर लेना है हाथों की मदद से कि ये ड्राई हुआ कि नहीं, और आपको फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद इसे कंप्लीट ठंडा होने दे और उसके बाद एक एयरटाइट कंटेनर में इसे पैक करके रख देना है। आप इन्हें महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो, बहुत ही हेल्दी होता है। ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।